हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका वंस वे में। दोस्तों, पिछले व्लॉग में मैंने आपको दिखाया था वो स्थान जिसको संदीपनी आश्रम के नाम से जाना जाता है, जहाँ पर खड़े नंदी की प्रतिमा है, जो कि पूरे हिंदुस्तान में एक ही ऐसी जगह है जहाँ पर खड़े नंदी की प्रतिमा है। साथ ही मैंने आपको दिखाया था वो स्थान जहाँ पर श्री कृष्ण ने 16 कलाएँ और 64 क्रियाओं का ज्ञान लिया था। मतलब श्री कृष्ण की पाठशाला मैंने आपको दिखाई थी, कैसे वो वहाँ पर पढ़ा करते थे। पूरा वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल पर जा सकते हैं, पूरा वीडियो दे रखा है। अब आ चुके हैं हम श्री मंगलनाथ मंदिर, मात्र 5 मिनट की दूरी पर है संदीपनी आश्रम से। चलिए अब हम इस मंदिर का महत्व जानते हैं और अंदर दर्शन करते हैं। साइड में आपको पास में यहाँ पर सभी प्रसाद और फूल के दुकानें मिल जाएंगी, जिससे आप फूल प्रसाद दोनों ले सकते हैं। लाल कलर का पत्थर से बना हुआ लग रहा है मंदिर का ये बाहर का गेट। अब अंदर जाके हम पूरे मंदिर के दर्शन करते हैं, आइए चलिए। तो अभी हम यहाँ खड़े हैं मंगलनाथ मंदिर में। ये है मंदिर का पूछे का पूरा स्ट्रक्चर। ऐसा बताया जाता है, जो भी आपके आपके जीवन के काम अधूरे रह गए हैं, अगर आप चाहते हैं वो मंगल में हो, तो यहाँ पर आकर आप चढ़ावा चढ़ा सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं। ये पूरा मंदिर की सराउंडिंग्स है, आइए अब हम अंदर दर्शन करते हैं। हाँ पंडित जी, बताइए इस मंदिर के बारे में थोड़ा सा। नौ ग्रह मंगल ग्रह का जन्म स्थान है जी। ठीक है, भगवान शिव के पुत्र माने जाते हैं। हाँ जी, का में एकमात्र स्थान है जो टॉपिक ऑफ कैंसर, जिसको कर कर एकाग्र रहते हैं दोनों में काट के बीच में, हाँ बीच में निकलती है। ठीक है, जो मांगलिक लड़का लड़की होते हैं, मंगल दोष होता है, किसी कार्य में अर्चन आती है, उन सर्व कार्य की सिद्धि के लिए दही भात का विशेष पूजा। अच्छा, ठीक है, जय। कोई भी अर्चना आती है बीच में, उसके लिए आप यहाँ पे पूजा करा सकते हैं और उसके बाद उसका मतलब उसका सॉल्यूशन हो जाएगा जी। शुक्रिया पंडित। तो जैसा पंडित जी बता रहे थे कि कोई विवाह में अगर कन्या मांगलिक होती है या वर मांगलिक होता है, तो यहाँ पर पूजा करा के आप इसका पूरा सॉल्यूशन कर सकते हैं। जब इसका नाम मंगलनाथ मंदिर है, आपका कार्य मंगल हो जाएगा। श्री गणेश जी की प्रतिमा आपको मंदिर के ऊपर आते ही देखने को मिलेगी। अब हम मुख्य मंदिर के दर्शन की ओर बढ़ेंगे। पुराणों के अनुसार उज्जैन नगरी को मंगल की जननी कहा जाता है। ऐसे व्यक्ति जिनकी कुंडली में मंगल भारी रहता है, वे अपने अनिष्ट ग्रहों की शांति के लिए यहाँ पूजा पाठ करवाने आते हैं। यूं तो देश में मंगल भगवान के कई मंदिर हैं, लेकिन उज्जैन इनका जन्मस्थान होने के कारण यहाँ की पूजा को खास महत्व दिया जाता है। आइए अब हम दर्शन करते हैं। यह है ग्रहराज महामंगल जन्मस्थान। Thank you.
बहुत ही प्राचीन मंदिर देखने में ही दिखता है ये। ये मंदिर परिसर के अंदर और भी मंदिर हैं यहाँ पर। आप यहां पर आके अपनी मंगल के लिए मंगल में पूजा करा सकते हैं। अब मंगलनाथ मंदिर के पीछे ये जो स्थान है, इस घाट में शिप्रा नदी पे जब मेला होता है सिंहस्थ का, जो पूरे हिंदुस्तान से अलग अलग साधु आते हैं वो यहाँ पर स्नान करते हैं। ये नीचे घाट दे रखा है और ये हमारी शिप्रा नदी। बहुत ही सुंदर दर्शन हो गए। अब हम चल रहे हैं नीचे। ये जो स्थान है यहाँ पर कार्प सर्प दोष जो होता है उसके निवारण के लिए यहाँ पर पूजा होती है ग्रहों की। आप यहाँ पर आ सकते हैं और पूजा करवा सकते हैं। तो ये बहुत ही सुंदर दर्शन हो गए हमारे मंगलनाथ मंदिर के। अब हम आगे चलेंगे अगले पड़ाव की ओर।